सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन कर दें ये छोटा सा काम, लगा दें भगवान कन्हैया को दो चीज़ों से भोग, आपके जीवन भर धन माया से भंडार भरे रहेंगे, भगवान श्याम सुंदर आपकी मनोकामना को पूर्ण जरूर कर देंगे। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज हम लोग और आप लोग चर्चा करेंगे, बताते हैं आपको वो कौन सी दो चीज़ हैं जिनसे आप अगर भगवान कन्हैया को भोग लगाते हैं, मेरे श्याम सुंदर को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तो श्याम सुंदर आपके ऊपर पूरी कृपा बनाए रखेंगे। दोस्तों, हाँ, ये मैं भी जानता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम, थोड़ी देर ज़रूर हो गई है, लेकिन आप सब लोगों के सपोर्ट से अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो को रात्रि में और सब लोगों तक पहुंचा दो, सब लोगों तक शेयर कर दो, जिससे कि उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो सके। तो आ जाओ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए छोटी सी वीडियो आप लोगों को बताते हैं। आप लोग भी जानते हो कि भादों के महीना में अष्टमी की तिथि को भगवान श्याम सुंदर का जन्म दिवस मनाया जाता है, और हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज में इस त्यौहार को, यानी भगवान कन्हैया के इस जन्म उत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और दोस्तों, बताते हैं हमारे विद्वान के इस दिन जन्माष्टमी को भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर का अवतार हुआ था, जो अजन्मा है उसका जन्म हुआ था, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस साल हकीकत में ही 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, 7 सितंबर को त्यौहार मनाते समय आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, उन बातों को आप ध्यान में देकर के सुनिएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। कि 7 सितंबर को जब आप त्यौहार मनाओ, उससे पहले यानी 6 सितंबर की रात्रि 12 बजे से आप लोगों को व्रत रखना है। व्रत कैसा रखना है, आप लोग दृढ़ विश्वास करेंगे अपने दिल में और ये प्रतिज्ञा लेंगे कि हम भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव मनाने तक, भगवान कन्हैया को प्रकट होने तक, और हम व्रत धारण करते हैं। उसके बाद में सुबह उठकर के स्नान ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे। पूजा विधि आपको बता दें कि भगवान कन्हैया का पंचामृत से स्नान कराने के बाद, श्याम सुंदर को पंचामृत से स्नान कराने के बाद, और भगवान कन्हैया को भोग लगाओगे। तो भोग में क्या लगाओगे, आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे श्याम सुंदर को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है धनिया और पंजीरी। इस चीज़ से आप लोग भोग ज़रूर लगाइएगा। अगर आप लोगों ने इस चीज़ से भोग लगा दिया तो श्याम सुंदर आपकी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण कर देंगे। इस चीज़ से भोग लगाएं, धनिया और पंजीरी से। उसके बाद में पूजा अर्चन करने के बाद एक मंत्र छोटा सा है, उसका आप लोग और उच्चारण ज़रूर करें। वो मंत्र कौन सा है, छोटा सा, ज़्यादा लंबा मंत्र नहीं है। आप लोग ध्यान में बैठ करके एक घंटा या दो घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है, उस मंत्र का जाप करें। उस मंत्र को आप लोग लिख लीजिएगा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ज़्यादा लंबा मंत्र नहीं है, छोटा सा मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, और जो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं वो लोग ज़्यादा लंबे मंत्र का, जो अपने जीवन के संकट को काटना चाहते हैं, वो एक छोटा सा और मंत्र है, उस मंत्र का जाप करें। ज़्यादा नहीं, एक बार ही आप कर लीजिएगा मन लगा करके, सच्चे मन से, तो श्याम सुंदर आपकी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण कर देंगे। आप जो भी परेशानियों से गुजर रहे हैं वो परेशानियाँ सब टल जाएंगी, और आप हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भगवान कन्हैया की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वो ये मंत्र है छोटा सा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार फिर सब लोग सुनिएगा और इस मंत्र को लिख लीजिएगा, सच्चे मन से एक बार आप भगवान कन्हैया के इस मंत्र को बोले, आपकी हर मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो आपके घर में, आपके परिवार में आपके ऊपर जो क्लेश चल रही है, उस क्लेश का नाम लेकर के आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ये मेरा वादा है कि भगवान कन्हैया आपके घर में प्रकट होकर के आपकी क्लेश को जरूर दूर करेंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, तो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और सब लोगों तक इस मंत्र को जरूर पहुँचाइए। भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव है, कल जन्माष्टमी है 7 सितंबर को, तो उससे पहले सब लोगों के पास में पहुँच जाए तो सब लोगों का भला हो जाए, सब लोगों को ये वीडियो और सुनने के लिए मिले। इस वीडियो को सुनने से उन लोगों का भी उद्धार हो सकता है। तो आइए, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर सुनाते हैं आप लोगों को कोई एक अच्छी सी चर्चा। तब तक के लिए सभी लोग जय श्री राधे, जय श्री राम।